मैंने आपको उष्मगतिकी निकाय चर समतापी रुद्धोष पर क्रम कराया था। आज मैं आपको तो बता रहा हूँ उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग यदि किसी ऊष्मा गति गैसीय निकाय को क्यू ऊष्मा दी जावे तो ऊष्मा का एक भाग गैस आंतरिक ऊर्जा दे अगर मैंने किसी गैसीय निकाय को डेल की ऊष्मा दे दी तो ये डेल की ऊष्मा पहले क्या करेगी, इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के मान के बराबर हो जाएगी, प्लस बचा हुआ पार्ट से गैस क्या करेगी, कार्य करेगी। इस नियम को मैं अगर बहुत छोटी ऊष्मा डी क्यू के फॉर्म में हो तो लेके चलूं तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू के मान के बराबर भी हो जाती है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू यहाँ पर ये आ जाता है। अब आप देखें यहाँ पर अगर डी क्यू लेके चलें तो ये हो गया डी यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था पी इंटू डेल बी यो ए कार्य के मान के बराबर होता है। अगर छोटा सा कार्य है तो पी डी वी कर लें, ये डी डब्ल्यू के मान के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कार्य को क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू डी बी के मान के बराबर हो जाता है। इसलिए ऊष्मा गति का प्रथम नियम डी यू प्लस पी इंटू डी वी के मान के बराबर आ जाता है। ये विभाग इसका विचार जाता है। यहाँ पर आयतन है, ये आयतन को हम कैपिटल में शो कर रहे हैं, इसको डी वी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा प्रत्येक का प्रथम
यह ऊष्मा गति का प्रथम नियम कहलाने लगता है। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मैं समतापी तत्क्रम में या नया कार्य निकालता हूँ। ठीक, समतापी प्रक्रम में क्या हुआ, कार्य निकालने के लिए मैं लेता हूँ, माना एक निश्चित ताप पर कार्य करने पर गैस द्वारा कार्य या जाता है, इसलिए इसका आयतन V1 से V2 परिवर्तित होता है। गैस द्वारा किया गया समतापी प्रक्रम में कार्य, यहाँ समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य को हम निकाले तो ये W हो गया। मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देता हूँ V1 से V2 P into PV। लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर गैस समतापी प्रक्रम में काम कर रही है तो ये वॉयल के नियम का पालन करती है, यानी PV इक्वल टू कितना आ जाता है, RT के मान के बराबर, तो P इक्वल टू RT अपॉन VK इक्वल हो गया। क्या हुआ कार्य, W बराबर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 P की जगह हम कितना रख दें, RT अपॉन V into DV, W इक्वल टू R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, T समतापी प्रक्रम हो रहा है इसलिए तापमान स्थिर होगा, हो जाएगा V1 से V2 dV अपॉन V, dV अपॉन V log x के मान के बराबर होगा, कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन log V के बराबर होगा, ये कितना जाएगा log V टू द बेस E इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2। ठीक, क्या हुआ कार, W बराबर R P, यहाँ पर आप रख दीजिए log V2 टू द बेस E माइनस log V1 टू द बेस E। अब log m माइनस n का फॉर्मूला जानते हैं, log m अपॉन n के बराबर होता है, इसलिए क्या हुआ कार, W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1 टू द बेस E। इसको आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या करते हैं 2.302 RT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10 के मान के बराबर आता है। गैस
समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य के मान के बराबर होता है। इसी प्रकार है ना, ठीक है, इसी प्रकार हम क्या प्रूव करें, सेकेंड उद्घोष प्रक्रम उद्घोष्म प्रक्रम, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, ठीक माना गैस उद्घोष्म प्रक्रम के अंतर्गत उद्घोष्म प्रक्रम में आयतन जीवन से टू परिवर्तित करती है, इसलिए रुद्रोष्म अक्रम में किया गया कार्य किया गया कार्य के बराबर हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 P into VV, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, रुद्रोष में है, इसलिए गैस बॉयल्स नियम का चालन पालन ना करके PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट के नियम का पालन करती है, इसलिए P बराबर कितना जाएगा K/V^γ के मान के बराबर आ जाएगा। की वैल्यू उसमें हो तो रख दीजिए, कितना आएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 ए की जगह K/V^γ × VV, कॉन्स्टेंट K को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक इंटीग्रेशन V1 से V2 V पावर जो ऊपर जाएगा तो -γ × dV के मान के बराबर हो जाएगा। इसलिए किया गया था W = K(-γ+1)-γ+1, ये कितना जाएगा V1 to V2, तो W = K/1 - γ, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, पहले आप रख लीजिए V2 = -γ+1 -V1 = -γ+1, इसको मैं लिख देता हूँ W = K/3, इसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, ओके 1 - γ V2 आयता -γ+1 - γ+1 - V2 - γ+1, क्योंकि आप देखिए V1 V1 γ, ठीक है V2 V2 γ = K है, तो अपनी कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐसा कर लेते हैं W = 1/1 - γ, आप क्या कर लीजिए K V2 - γ+1 - K V1 - γ+1, ये की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना जाएगा 1/1 - γ V2 है तो ये वाली रखेंगे, V1 है तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, V2 - γ V2 - γ+1 - V1 - γ × V1 - γ+1 W = 1/1 - γ। देखिए ये -γ ये -γ कैंसिल, V2 V2 - V1 V1 याद, इसमें से ये भी हमारे पास निकल गया,
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ये आ रहा था V2 माइनस V1। अब देखिए चूंकि P1 इक्वल टू RP1 और P2 इक्वल टू RP2, इसलिए वर्क डन W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ये कितना जाएगा, वैल्यू रख दो RP2 माइनस RP1 और कर लीजिए, तो W इक्वल टू R को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस गामा किया जाएगा P2 माइनस P1, ये मेरे पास पूरा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये रुद्रोष्ट प्रक्रम में किया हुआ कार्य होता है।